इम्प्रेसिव। तो यार कल मेरे फ्रेंड का कॉल आया था कि भाई पबजी मोबाइल फाइनली चलने लगा है। और इससे पहले भी मेरे को कई बंदों ने बोला था कि भाई पबजी मोबाइल लाइट मेरा चलने लगा है। मेरे क्लैन के भी एक दो बंदों का पबजी मोबाइल लाइट चल रहा है, तो मेरा तो नहीं चल रहा था, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। बट फाइनली गाइस कल मैंने पबजी मोबाइल कोरियन जो था उसको अनइंस्टॉल करके ग्लोबल वर्जन वापस से इंस्टॉल किया। और जैसा कि यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो गाइस, मेरा ग्लोबल वर्जन चल रहा है बिना किसी वीपीएन के। तो यार काफ़ी गुड न्यूज़ है, मतलब कि बहुत से बंदों का चल रहा है, जितने मतलब कि मैक्सिमम बंदों का पबजी मोबाइल चलने लगा है। लाइट सभी का अभी तक नहीं चल रहा है, बट यार मुझको लगता है कि मे भी वो भी जल्दी से चालू हो जाएगा। जिस तरह से कुछ बंदों का चलना स्टार्ट हो गया है उस हिसाब से तो मुझको यही लगता है कि मे भी लाइट वापस आ सकता है पबजी मोबाइल की तरह। पबजी मोबाइल इंडिया भले ना आए, मतलब कि पबजी मोबाइल इंडिया की तरह पबजी मोबाइल लाइट इंडिया ना आए, बट गैस एटलीस्ट पबजी मोबाइल लाइट हमारा थोड़ा बहुत रन कर सकता है। फिलहाल अब ये तो रिलीज़ के बाद ही पता चलेगा। ट्रेलर के रिलीज़ को लेकर बात करें तो गैस कल अब क्रॉन्टन ने अपने स्ट्रीम पे ट्रेलर से रिलेटेड सभी कुछ बताया था। उसने बताया कि जो गेम था गाइज वो 30 नवंबर को ही आने वाला था, बट कुछ इशूज़ की वजह से जो है गेम नहीं आ पाया टाइम पर। और ट्रेलर की बात करें तो गैस ट्रेलर को लेकर भी उसने बताया कि ट्रेलर कल रात को या फिर आज सुबह आ सकता है। आज तक तो पक्का ट्रेलर आ जाएगा। और ट्रेलर के अंदर ही साफ साफ रिलीज डेट लिखी हुई है कि हाँ इनको जो मतलब कि गेम जो है किस दिन देखने को मिलेगा। गेम वैसे बोला गया है कि 18 से पहले आ जाएगा, ज़्यादा डिले नहीं करेंगे, तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। बाकी यार जैसा कि थंबनेल तुम लोगों ने देखा ही होगा कि हमारा जो पुराना अकाउंट है गाइस वो वापस आएगा या नहीं आएगा, तो उसी के ऊपर यार ये वीडियो होने वाली है। पूरा डिटेल में तुम लोग को प्रूफ के साथ बताऊंगा कि गाइस हमारा अकाउंट जो है पुराना अकाउंट हमको मिलेगा या नहीं। हमारी जितनी भी स्किन्स वगैरह हैं, व्हीकल्स की स्किन, गन की स्किन, पैरासूट, बैक पैक, जितने भी आउटफिट है वो सब हमको मिलेंगे या फिर सब सब गायब हो जाएंगे। तो गैस तुम लोग को नहीं मालूम तो तुम लोग को आज एक राज की बात बताता हूँ कि पबजी मोबाइल ग्लोबल और पबजी मोबाइल जो कोरियन है गैस दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं ग्लोबल खेल रहा हूँ, मेरा फ्रेंड जो कोरियन खेल रहा है, बट फिर भी हम लोग साथ में गेम खेल सकते हैं। बस दोनों गेम्स के बीच में डिफरेंस इतना है कि जो ग्लोबल वर्जन है गाइस उसका सर्वर जो डाटा वगैरह है वो चाइना में स्टोर होता है, और जो कोरियन वर्जन है उसका डाटा कोरिया में स्टोर होता है। वैसे गाइस जो पबजी मोबाइल इंडिया हो गाइस हम लोग ग्लोबल खेल सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ग्लोबल के फ्रेंड के साथ, लेकिन बस इस डिफरेंस इतना होगा कि हमारा जो डाटा है गाइस वो इंडिया में स्टोर होगा। तो मतलब कि यार अगर हम लोग का पबजी मोबाइल इंडिया आता है तो हमारा जो ग्लोबल अकाउंट है गाइज वो कहीं भी नहीं जाने वाला है। अब बोलोगे भाई प्रूफ क्या है तुम्हारे साथ, तो गाइज तुम लोग को प्रूफ भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। प्रूफ है हमारे ये पोस्ट, यहाँ पे देख सकते हो पबजी मोबाइल डाटा हैज बीन माइग्रेटेड टू पबजी मोबाइल इंडिया। यहाँ पे नीचे लिखा है स्किप्स स्किन्स एंड इन ऐप परचेज फ्रॉम ग्लोबल वर्जन विल बी लाइकली बी अवेलेबल इन द इंडियन वर्जन। मतलब कि जो हमारा ग्लोबल वर्जन का डाटा है वो हमको इंडियन वर्जन में मिलेगा। जैसा कि मैंने बोला अगर तुम अपने ग्लोबल अकाउंट से कोरियन वर्जन में लॉगिन करते हो तो गाइस तुम्हारा ग्लोबल वाला अकाउंट ही कोरियन वर्जन के अंदर खुलेगा। बस कोरियन उसके सामने इसलिए लिख दिया गया है क्योंकि उसका डाटा कोरिया में स्टोर होता है। बस डाटा का मैटर है यार, और कोई भी जो मतलब कि डिफरेंस नहीं है गेम के अंदर, और थोड़ा बहुत लैंग्वेजेस का डिफरेंस है। तो गाइज यही सब जो चीज़ें हैं, आई नो कि सभी के दिमाग में डाउट तो ज़रूर आया होगा कि यार हमारा अकाउंट आएगा या नहीं आएगा। तो पबजी मोबाइल वालों के लिए तो खुशखबरी है, बट यार लाइट का कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि देखो जितना कि बोला जा रहा है लाइट नहीं आएगा, हमारा मोबाइल में ही शिफ्ट होना पड़ेगा पबजी मोबाइल लाइट के प्लेयर्स को। तो गाइज अगर हम लोग मोबाइल में शिफ्ट होंगे तो गाइज हम लोग का अकाउंट लाइट वाला मोबाइल में शिफ्ट नहीं हो जाएगा, ना ही हमारा जो मतलब कि कोई नई चीज़ हमको मिलेगी। जब तक कि पबजी मोबाइल लाइट का इंडियन वर्जन नहीं आता है गाइस तब तक यार हमारा अकाउंट हमको नहीं मिलने वाला है। बाकी वीपीएन लगा खेल सकते हैं, बट उसमें भी बैन वगैरह का इशू है, और मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगा कि वीपीएन लगा के तुम खेलो। यहाँ पे यार कुछ जो मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन है पबजी मोबाइल लाइट की और कुछ यूट्यूबर्स है गाइस जो कि कैंपेन चला रहे हैं कि वी वॉन्ट पबजी मोबाइल लाइट बैक, तो गाइस हैशटैग भी चलाए उन लोगों ने। तो यार मैं भी सपोर्ट करता हूँ और इसके सपोर्ट में जल्दी कुछ मैं भी करूँगा। हम लोग यार इतना हाइप क्रिएट करेंगे कि उन लोग को पबजी मोबाइल लाइट फाइनली लाना ही पड़ेगा, क्योंकि यार पबजी मोबाइल लाइट एक तरह से हम लोग के लिए ही बना है यार।
बहुत ही सही गेम है पबजी मोबाइल। मेरे को सच बोलूँ तो पर्सनली बिल्कुल नहीं पसंद, भागते भागते मैच निकल जाता है। पबजी मोबाइल लाइट में यार 15 मिनट में अच्छा खासा मैच होता है, दुगना मज़ा आता है, फ्रेंड के साथ भी चिल करने मज़ा आता है। तो यार काफ़ी अच्छा पबजी मोबाइल लाइट है, काफ़ी मिस कर रहे हैं। तो गाइस उसको तो ला के रहेंगे, और गाइस तुम लोग का भी सपोर्ट चाहिए होगा तो गाइस साथ देते रहना यार। और फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही था, बाकी यार मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।